नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी फैक्टर में इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाला है कि आईपीएल 2021 में आप लोग ड्रीम इलेवन की 11 ग्रैंड लीग की टीमें कैसे बनाएं क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए क्या आपका बेस होना चाहिए इन टीमों को बनाने के लिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच करना ठीक है आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली जो आपको इतने डीपली ना ये चीज़ें बताएगी आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर यहाँ पे होने वाला टोटल फाइव ईयर प्लस का मेरा एक्सपीरियंस है ठीक है बहुत सारी ग्रैंड लीग विन कर रखी है और करवा भी रखी है आप इसका प्रूफ ना मेरी वीडियोज में जाके चेक कर सकते हो ठीक है बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी ट्रेंड है जो कि ग्रैंड लिग और स्मॉल लिग के ऊपर है आप लोग उन वीडियो को भी देखोगे तो आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे होने वाला ठीक है तो फ्रेंड्स टोटल फाइव ईयर से ज्यादा मैं यहां पे इस फील्ड में काम कर रहा हूं ठीक है आपके साथ आज पूरी की पूरी अपना एक्सपीरियंस और जो बेस होना चाहिए ग्यारह टीमों का वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को सभी को पता है कि नौ अप्रैल से आई के मैच स्टार्ट हो रहे टोटल फिफ्टी डे ये मैच चलेंगे ठीक है ये तो बेसिक सी बातें हैं फ्रेंड्स ठीक है तो हम लोग बेसिक से जो हमारा क्या है कि जो ग्यारह टीम रहेगी वो आखिर कैसे रहेगी तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स क्या होता है, है कि जो आप लोग ग्यारह टीमें बनाओगे ना आप लोगों का पहला माइंड क्या होना चाहिए वो होना चाहिए रिजल्ट पे ठीक है जो पहला पॉइंट है वो है हमारा रिजल्ट कि रिजल्ट क्या रहेगा आप लोग पता यार तीन ही तो रिजल्ट रह सकते हैं तो रिजल्ट आप लोग कैसे एनालिसिस करोगे ये करोगे आप लोग टीम कंपैरिजन से सपोज दैट यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जैसे पहला मुकाबला है मुंबई वर्सेस आरसीबी के बीच में तो आप लोग क्या करोगे दोनों की दोनों टीमों को कंपेयर करोगे प्लेयर्स बैटल्स आप लोग देखोगे ठीक है ये चीज़ आप लोग कहाँ से देख सकते हो नेट से आप लोग देख सकते हो ठीक है बहुत सारी एप्लीकेशन है बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ से आप लोगों को ये चीज़ ईजिली मिल जाएगी कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग आप लोग थोड़ा सा पास्ट का कर, रिसर्च करके देख लोगे यार अगर आप लोग एक करोड़ से चार करोड़ रुपये तक की विनिंग करना चाह रहे हो जो कि आपको पता है ग्रैंडलिंग में फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पर आईपीएल में रहता है एक करोड़ से चार करोड़ तक ठीक है अगर आप लोग ये ड्रीम रख रहे हो कि आप लोग यार चार करोड़ तक विन करना चाहते हो तो आप लोग को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लोग को लग रहा कि आप लोग ऐसी तुक्का में आंख बंद करके टीम बना के विन कर लोगे तो यार आप लोग डिजर्व ही नहीं करते हो इस ग्रैंड लीग को ठीक है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मैं सब लोग करोगे लेकिन कुछ ना कुछ लोग डेफिनेटली इस मैथड से बहुत अच्छी तरीके से ग्रैंड लीग विन करोगे और जो भाई विन करेगा ना कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बता देना कि भाई आप लोगों ने विन किया फिर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई ठीक है जरूरी नहीं कि आप लोग विन करो या फिर आप लोग लाखों भी जीत जाओगे तो यार आप लोग फोर्टी या फिर फिफ्टी यानी फोर्टी तक की ती मैक्सिमम ठीक है तो फोर्टी नाइन रुपीज लगा के अगर आप लोग एक लाख रुपए भी जीत रहे तो आपका कितना ज्यादा बेनिफिट है आप लोग सीचिए फोर्ट इंटू अगर आप लोग में करोगे तो लगभग से ऊपर आपकी एंट्री फीस हो रही है पांच सौ आ रहे तो सोचिए आपका पैसा कितना गुना हो रहा है ठीक है सब वहीं अगर एक करोड़ या फिर चार करोड़ आपकी आ गई तो आप तो फ्रेंड्स यार मालामाल इस आईपीएल में होने वाले हो ठीक है तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट चीजें आपको बताऊंगा वही यहाँ पे डिस्कस करने वाला फ्रेंड्स ठीक है तो रिजल्ट आप लोग के पास जब आप लोग टीम कंपेयर करोगे तो रिजल्ट फोकस करोगे तो रिजल्ट आपके पास कितने आएंगे तीन ही तो रिजल्ट आ सकते हैं ठीक है पहला रिजल्ट क्या आएगा टीम वन विन करेगी ठीक है आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर मैंने हर एक चीज इसलिए डिटेल्स में लिखी फ्रेंड जिससे कि आप लोग का माइंड पूरी तरह से क्लियर कराए टीम वन विन करेगी टीम वन विन करेगी उसमें भी दो कंडीशन आएगी या फिर ये टीम पहले बैटिंग करेगी या फिर ये टीम पहले बॉलिंग करेगी यानी कि ये टीम चेज करेगी ठीक है तो यही तो चीज हो सकती है या फिर फ्रेंड्स क्या होगा टीम टू विन करेगी इसमें भी सेम टू कंडीशन आएगी या फिर ये बैटिंग फर्स्ट करेगी या फिर ये बॉलिंग फर्स्ट करेगी ठीक है तो यही तो दो कंडीशन मेन रहेगी बाकी तीसरी जो कंडीशन रहती वो काफ़ी ज़्यादा रेयर रहती है मतलब इस कंडीशन को आप लोग एक से दस तक मान सकते हो कि कभी कभार हो जाती है ठीक है या तो टाई हो जाता मैच इसका तो बहुत कम चांस है वन आप लोग चांस मान सकते हो कि मैच टाई होगा ठीक है या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट टाई या क्लोज फाइट इसलिए मैंने यहाँ पे रखा जो तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा तो तीन ही तो रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे इन तीनों के अलावा कोई और रिजल्ट आज तक क्रिकेट की दुनिया में आया आप लोग किसी भी मैच को देखिए यार मैं यहाँ पे सिर्फ आई की बात नहीं करूँगा आप लोग कोई भी सीरीज़ उठा के देखिए इन तीनों के अलावा आपके पास कोई रिजल्ट है तो इन तीनों तीन ही चीज़ आपकी बेस तो होनी चाहिए बाकी क्या होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको यार आप लोग ये चीज़ अगर देख लेते ना फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप लोग यार मतलब बहुत अच्छी तरीके से विन करोगे ठीक है फिर आप लोग अब क्या करोगे अब आप लोगों ने टीम कंपेयर कर ली आपको पता चल गया कि कौन सी टीम स्ट्रांग है कौन सी टीम वीक है सपोज दैट आप लोगों को पता चलता है कि टीम वन जो आपकी है वो स्ट्रांग है ठीक है उसके विन करने के ज्यादा ज्यादा से हाई चांस है सपोज दैट इन दोनों टीमों के बीच में जैसे टीम वन और टीम टू है इन दोनों के बीच में आप लोगों को पता चला कि टोटल जो हेड टू हेड मुकाबले वो हुए हैं दस ठीक है दस में से फ्रेंड्स क्या हुआ कि सात मुकाबले यहाँ पर टीम वन ने विन किए हैं और तीन मुकाबले यहाँ पे टीम टू ने विन किया यानी कि आप लोगों के पास क्या आ गया कि सेवेंटी परसेंट पे विन करने के चांस हो गए टीम वन के और थर्टी परसेंट पे हो गए टीम टू के विन करने के चांस आप लोगों के पास टोटल ऑप्शन कितने हैं कि आप लोग ग्यारह टीम लगा सकते हो ठीक है तो ग्यारह टीम लगाओगे तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करोगे सात टीम आप लोग सिंपली यहाँ पे जो किसी परसेंट का रेशियो आया था ठीक है एक टीम मैं सोच छोड़ रहा हूं फ्रेंड्स एक टीम आप लोग स्मॉल लीग भी तो खेलोगे तो स्मॉल लीग सिर्फ हम दस टीमों की यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी ठीक है ग्यारहवीं टीम स्मॉल लीग की भी आप लगा सकते हो कभी कभी स्मॉल लीग की टीमें बहुत अच्छी कर लेती है अगर आप लोगों का लॉजिक सही है तो आप लोग देखिए स्मॉल लीग की भी बहुत अच्छी हो है ठीक है तो यहां पर सेम चीज अगर आप लोग ग्यारह का भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं है तो आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स सात जो टीमें रहेगी आपकी वो आपकी टीम वन के फेवर में रहेगी यानी कि टीम वन इस मैच को विन करने वाले सपोज दैट मुंबई इंडियंस विन करने वाले तो आप लोगों ने मुंबई इंडियंस के सारे के सारे बैट्समैन सारे के सारे

की तरफ से तो ले नहीं सकते हो चार प्लेयर तो आपको आर की तरफ से लेके लेकर चलना उसमें से फ्रेंड्स दो से तीन तो मैं कहूंगा कि आप लोग ऑलराउंडर लेके चलना क्योंकि ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो आप लोग को या तो बैटिंग से या फिर बॉलिंग से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कुछ पॉइंट आपको ला देंगे तो आप लोग को ये चीज ध्यान में रखनी कि आपका जो चार प्लेयर है ना वो भी फ्रेंड्स क्या होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से पॉइंट आपको देने चाहिए नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ ऐसे प्लेयर लेके लिए जो हिट एंड मिस है हिट एंड मिस प्लेयर तो चलेंगे नहीं उस टीम में क्योंकि टीम वन सिंपली विन करने वाली है उस चीज को ठीक है तो यहां पे सात प्लेयर आपके साथ जो टीम रहेगी आपकी रहेगी फ्रेंड्स यहां पे टीम वन के फेवर में इस तरीके की आपकी टीम रहेगी ठीक है उसमें से चार टीम आप लोग कैसे बनाओगे कि बैटिंग फर्स्ट करेगी तीन टीम आप लोग क्या कैसे बनाओगे कि चेज करेगी ठीक है यह चीज भी आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट से चेक कर सकते हो कि ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर चेजिंग है या फिर बैटिंग फर्स्ट करने वाले यहां पर विन करती है ठीक है उस बेस पर आप लोग क्या करोगे अगर सपोज आपको पता चलता है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली विन करोगे तो यहाँ पर जो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम है वो आप लोग थोड़ी सी ज्यादा बनाओगे या फिर चार या पांच बनाओगे ठीक है वहीं आप लोगों को पता चलता है कि चेज करने वाली ये ग्राउंड है ठीक है तो आप लोग उसमें ज्यादा टीम बनाओगे यानी चार चार से पांच टीम आप लोग यहाँ पे

सकती है आप दी तो आप तो कुछ भी नहीं जीते ना ही आपकी कोई रैंक आई तो उसके बैकअप के लिए आपको जो थर्टी परसेंट आया तीन टीमें आपको बनानी है, वो बनानी फ्रेंड्स आप लोगों को टीम टू के फेवर में जिससे कि क्या होगा अगर टीम टू विन भी करे ना तब भी आप लोग अपना पैसा जो है आपका वो तो वापस आया आप, आपके रैंक भी बहुत अच्छे आए आप लोग ग्रैंड लैंक में टॉप रैंक पे आओ ठीक है तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग क्या करोगे अपने 11 के 11 टीमों की स्ट्रैटेजी आप लोग बनाओगे ठीक है तो जो मैं आप लोग को बेसिकली बताता हूँ टॉस फैक्टर ठीक है टॉस फैक्टर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है आप लोगों को पता हर जगह टॉस का बहुत अच्छा रोल रहता है टॉस और पिच रिपोर्ट जो रहती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है फ्रेंड्स उन पर आप लोगों का बेसिक सा फोकस रहेगा यार आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी ठीक है ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों ने बस आँख बंद करके टीम बना ली और आप लोगों ने विन कर ली वैसे बहुत रेयर चांस है मैं कहूँगा कि जीरो जीरो ऐसा हुआ कि हो, हो किसी के साथ कि किसी ने आंख बंद करके टीम लगा ली और वो सीधे ग्रैंड यानी कि एक करोड़ से चार करोड़ रुपये विन कर लिया ठीक है करोड़ों लोग खेलते हैं फ्रेंड्स तो यार करोड़ों लोगों में से वन आने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए ना वन ना भी आओ तो टॉप टेन तक भी आ पाओगे तो आपको लाख लखपति तो आप लोग बन ही जाओगे ठीक है तो इस स्ट्रैटेजी से डेफिनेटली आप लोग आओगे ये मेरा आप लोगों से वादा है ठीक है आप लोग इस स्ट्रैटेजी को जरूर से फॉलो करना ठीक है वहीं आप लोगों को क्या पता चलता कि दूसरा मुकाबला है अब एक और मुकाबले से हम लोग यहाँ पे समझते हैं जिससे कि आप लोगों का जो बेस है ना अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी अभी कन्फ्यूजन है तो वो अभी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ ठीक है दूसरा मुकाबला आपको पता चलता सपोज दट दूसरा मुकाबला यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स ठीक है दूसरा मुकाबला यहाँ पे, आ, मुकाबला पे के, के के आर वर्सेस यहाँ पे आर के बीच में हो रहा है ठीक है मान के चलिए कि ये एक मुकाबला है ठीक है आप लोगों ने देखा के के आर वर्सेज आर के बीच में टोटल हेड है टू हेड के फिर से दस मुकाबले आपके सामने आए जिसमें से क्या हुआ कि छः मुकाबले यहाँ पे केकेआर ने विन किया है और चार मुकाबले यहाँ पे आर ने विन किया है ठीक है तो इस बीच पे आप लोगों का क्या हो जाएगा कि आपका छः पाँच का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो तो बेसिक सा स्मॉल लीग में रहेगा कि छः प्लेयर आपको के के आर से लेना और पांच प्लेयर आप लोगों को यहाँ पे फ्रेंड्स आर सी बी की तरफ से लेना वहीं आप लोगों ने क्या कर दिया फ्रेंड्स जो दस टीम आप लोग बना रहे हो ठीक है ग्यारहवीं टीम तो आपकी स्मॉल लीग की रहेगी उसे भी आप लोगों को लगाना है ठीक है क्योंकि वो टीम आपका बैकअप का भी काम करेगी और उसमें अगर आप लोग कुछ से मतलब जैसे पिक रहते हैं ना कुछ प्लेयर ऐसे रहते हैं जिनको बहुत सारे लोग इग्नोर करके चलते हैं उन पर अगर आप लोग थोड़ा फोकस करके चलोगे तो डेफिनेटली वो टीम भी आपकी बहुत अच्छी करेगी ठीक है फिर से आप लोगों ने क्या किया कि छह टीम यहाँ पे आप लोगों ने लगा ली टीम वन यानी कि के के आर के फेवर में और पांच टीम आप लोगों ने लगा और सारी चार टीम आप लोगों ने लगा ली यहाँ पे आरसीबी के फेवर में इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग क्या करोगे फिर बैटिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग में आप लोगों ने इन टीमों को डिवाइड कर दिया इन तीन टीम आप लोगों ने बनाई यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट के पर्पज से और तीन टीम आप लोगों ने यहाँ पे बना दी बॉलिंग फर्स्ट के परपज से ठीक है वही आप लोगों के पास जो चार टीम सामने है ना टीम टू की उसमें भी आप लोगों ने डिवाइड कर लिया ठीक है दो टीम आप लोगों ने यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट से बना दी दो टीम आप लोगों ने यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट के उससे बना ली कि आपको किस तरीके से यहाँ पे मतलब अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आपके जो प्लेयर है आपके जो बॉलर है जो बैट्समैन है वो किस तरीके से विकेट लेंगे किस तरीके से बैटिंग करेंगे ठीक है वहीं अगर बॉलिंग फर्स्ट करोगे तो आपकी जो सामने टीम है उसके किस तरीके से विकेट निकालेंगे ये चीज़ आप लोगों को पहले क्लियर करनी है फिर जो बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन आती है टाई और क्लोज फाइट ठीक है बहुत कम ये चांस होता है कि ये होता है मान के चल रहा कि होता है जो दस टीमें आप लोगों ने बनाई ना वो तो है ही है लेकिन जो क्लोज फाइट और टाई वाली बात कर रहा हूँ वो ग्यारहवीं टीम आपकी करेगी ठीक है स्मॉल लीग की तो रहेगी रहेगी टीम लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को स्मॉल लीग खेलनी नहीं भाई आप लोग को ग्यारह के ग्यारह ग्रैंड लीग की टीम बनानी है तो ग्यारहवीं टीम आप लोग बनाओगे टाई और क्लोज फाइट के बेस पे ठीक है आप लोगों को सिर्फ दस टीमों में ये फार्मूला यूज़ करना है ठीक है कि हेड टू हेड वाला जो टीम कंपैरिजन से आपके सामने रिजल्ट आएगा सेवनटी थर्टी इस तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट निकालिए ठीक है दस ही मैच आप लोग उठाना मैं मैं कहूँगा बेसिक्स का जो पास्ट के दस मैच हैं उनको आप लोग उठा के देखना ठीक है या फिर जो प्लेयर बैटल है इस प्लेयर ने इसको कितनी बार आउट किया ठीक है पांच बार इनकी हेड टू हेड फाइट हुई जब ये प्लेयर इन दोनों के सामने टकराए ठीक है थीके? अगर आप लोग को हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं मिला टीमों का तो आप लोग यार प्लेयर का तो रिकॉर्ड निकाल सकते हो ना सामने जो टीम है उसके बैट्समैन और इधर वाली टीम है जो है यानी टीम वन के बैट्समैन टीम टू के बॉलर इनके बीच में आप लोग हेड टू हेड मुकाबले तो निकाल सकते हो ना ये तो बहुत ईजी है आप लोग सिम्पली इनका रिकॉर्ड यू मतलब कहीं पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कहीं पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो वहाँ से आप लोग को ये चीज़ मिल जाएगी लेकिन ग्यारहवीं जो टीम रहेगी आप लोगों की रहेगी

सेम टू सेम रख लिया यानी कि कॉमन रख दे वो नहीं लेने आपको कॉमन उनको आप लोगों को रखना पंसपिक जैसे कि लास्ट के जो मुकाबला होता तो आप लोगों को पता कि सबका फोकस रोहित शर्मा इन पे था ठीक है लेकिन सूर्य कुमार यादव पे बहुत कम लोगों का फोकस था वही जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की अभी सीरीज हुई ऋषभ पंत पे बहुत कमों का फोकस था तो इस तरीके के पंट प्लेयर जो रहते हैं ना जिनको कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं लेकिन वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, है बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं बहुत अच्छा रिकॉर्ड उनका लेकिन लोग उन्हें इग्नोर कर चुके चल रहे तो दो प्लेयर आप लोग को इस तरीके के ढूंढने अपनी ग्यारहवीं टीम में उनको आप लोग को अपनी पिक में करना बाकी नौ का नौ प्लेयर आपके सेफ रहेंगे ठीक है कॉमन से प्लेयर रहेंगे और जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया छह पांच का वो कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ से चार प्ले, पांच प्लेयर से यहां से चार प्लेयर से दो प्लेयर जो बचेंगे वो पांच प्लेयर आपके होने चाहिए वो आपको कैसे छाटने ये आप लोग खुद सोचे कि आपको कैसे छाटने मैंने आपको बता दिया जैसे कि लास्ट के मुकाबले में लास्ट का जो आई पी होता था उसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव निकल के आए थे बहुत सारे ऐसे जैसे देव दत्त वाटिकल जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं थे उनके बारे में आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी जिससे कि आप लोग बहुत अच्छा तरीके से विन करोगे तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये ग्यारह टीम आपकी बनेगी आई होप आप लोगों का जो माइंड सेट ना वो आज क्लियर हो गया होगा जो बेस है वो क्लियर हो गया मैंने बस आपका बेस आज क्लियर किया है आप लोग टीम खुद से मैं बत, चाहता तो फ्रेंड्स आप लोगों को ग्यारह के ग्यारह टीमें बता के करता कि ये टीम ऐसा बनाओ ये टीम ऐसा बनाओ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने बस आपके सामने जो चीज रियल है जो चीज आपको पता है होती होती है। आपको पता है रिजल्ट हमेशा आता ही आता और रिजल्ट ये तीन के अलावा आज तक कोई चौथा रिजल्ट आया नहीं ठीक है आप लोग को पता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे या तो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या फिर टीम चेज करेगी यही दो कंडीशन रहती है ठीक है ये कंडीशन भी मैंने यहाँ पे आप अच्छे से डिस्क्राइब किया फिर जो बहुत ज्यादा रियर कंडीशन रहती है मैच टाई या फिर क्लोज फाइट होती है वो भी मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया तो ऑलमोस्ट जो आपके जो जो, जो मतलब पॉइंट है जो आपके डाउट्स है सारे के सारे मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ क्लियर हो गए होंगे फिर भी कोई डाउट्स है ना तो कमेंट सेक्शन में बताइए दूसरी वीडियो बना के ना आपके वो डाउट्स भी मैं क्लियर करने की गारंटी देता हूँ ठीक है इसी के साथ मुझे अगला टॉपिक भी बताइए कि आई में आप लोग का अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ठीक है अभी तो हमने ग्रैंड लिक की बात की आप लोग अगर स्मॉल लीग भी कहोगे तो स्मॉल लीग की वीडियो आपके लिए बन के तैयार हो जाएगी ठीक है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना अपने दोस्तों तो साथ भी इस वीडियो को शेयर करना पहली बार अगर आप लोग इस चैनल पर आए चैनल पर आप लोग कुछ भी चीज अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करना तो मैं मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारा गुड लक